इस स्टोरी में क्या है कि एक फार्मर है जिसके पास एक अचानक वो एक जगह पे देखता है तो उसको एक हैन नजर आती है। वो बाहर से काम से आता है तो हैन को देख के उसका दिल करता है कि हैन तो बड़ी मजे की है, देसी मुर्गी पका के खाएगा। उसने मुर्गी को पकड़ लेता है और उसको जिबा करने लग जाता है, लेकिन वो मुर्गी बोलने लग जाती है। वो बड़ा हैरान होता है कि ये मुर्गी कैसे बोल रही है। वो कहती है कि तुम मुझे अगर ना मारो तो मैं तुम्हें रोज एक सोने का अंडा दिया करूंगी। वो फार्मर जो है ना कहता है चलो ट्राई कर लेते हैं। अगली सुबह वाकई ही उसने सोने का अंडा दे दिया। इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता करके क्या हो गया, वो अमीर तरीन आदमी होने लगा शहर का। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना हो शहर का बल्कि मुल्क का सबसे अमीर तरीन आदमी बन जाऊं। उसने सोचा कि मुर्गी को जिबा करके सारे अंडे निकाल देता हूँ। लेकिन जब मुर्गी को जिबा किया तो उसके अंदर कुछ भी ना मिला। उसकी लालच की वजह से जो कनायत पसंदी पे रहता तो वो डेली एक अंडा हासिल कर लेता। लेकिन वो अचानक बड़ अमीर आदमी बनने के लिए उसने वो अपने सोर्स को भी खत्म कर दिया। लेट्स सी जी, सिंपल है स्टोरी है। कम ऑन, देयर वाज अ फार्मर। देयर वाज अ देयर वाज फार्मर, अ ही वाज वेरी पुअर ग्रीडी बट हार्ड वर्किंग। He बट was very poor, greedy, but hardworking. क्योंकि ये contrasting quality है, इसलिए उसके दरमियान में हम क्या यूज करते हैं, बट का इस्तेमाल करते हैं। जी, वेरी एम्बिशियस एंड रेकलेस, ही ही वाज वाज वेरी रेकलेस, एम्बिशियस एंड एम्बिशियस एंड रेकलेस। रेकलेस। चूंकि उसने फौरी फैसला करना है इसलिए हमने वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया, रेकलेस, यानी कि जो फौरी तौर पे फैसला कर दे उसको हम कहते हैं। He lived in He a lived in a village. He village. lived in a village. He returned from Don't his come ever return place. from his place आप ऐसे नहीं डायरेक्टली नहीं one लिखते हैं, वन डे हो जाएगा ना, वन डे ही day रिटर्न returned from फ्रॉम his आफ्टर डेज वर्क। ही He फेल्ट felt हंगरी। hungry. He found nothing. ही फाउंड He did नथिंग या not ही find anything. डिडंट फाइंड नथिंग. नहीं, डिडंट फाइंड नथिंग नहीं होगा, ही डिडंट फाइंड एनीथिंग या ही फाउंड नथिंग, दोनों लगा सकते हैं आने के लिए। He heard the sound Heard of a hen. the sound of a hen. He He got happy to see got it. happy to see. got happy to see it. Shabas. He planned to cook the He planned delicious to meat. cook the He delicious meat of the hen. ran ran after after it to he ran after it to catch it. catch it. जी, उसके बाद क्या हुआ? He caught At it. last, he soon he एट लास्ट है ना, caught दर आप it. जाहिर है पीछे भागा तो जाहिर है फौरी तौर पे तो नहीं पकड़ लिया, तो इसका मतलब आफ्टर सम टाइम आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल ही कॉट इट, उसने से पकड़ लिया। Began to slaughter ही the बिगेन hen. टू स्लॉटर, ही बिगेन टू स्लॉटर द एट hen spoke द out. हैन स्पोक आउट एंड एड्रेस द फार्मर His On eyes stock. were on stock to see His eyes were on the stock. Yeah, he was on stock to see the talking hen. hen. The Requested the farmer hen not to kill it. requested the farmer not to kill it. It requested the farmer not. The hen promised him to help. It promised him to help. अगर इट लगा लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ताकि वो नाउन की प्रोनाउन की जो कंफ्यूजन है वो नहीं होगी। जी, He believed its claim. He could not believe its claim. एट फर्स्ट ही डिडंट क्या होगा, बिलीव हिज क्लेम। फिर क्या हुआ? Then he decided to have a test. देन ही डिसाइडेड, या आफ्टर सम रिफ्लेक्शन, या सोच विचार के बाद ही डिसाइडेड टू हैव द टेस्ट। He slept with sweet dreams. He slept with sweet dreams that night. He got He up got and seen. up And saw the hen. when Saw on the the hen. next morning he got up and saw the hen had laid a golden egg. He was in seventh heaven. At seventh heaven, वो सातवें आसमान पे था, यानी बहुत खुश था to see the golden egg. Took the gold egg and sold in the He took the golden egg and sold it in the bazaar. He improved his life
improved his life. Gradually, he improved his life and became the rich with the passage of time. He grew greedy वो लालची होता गया. He wanted to become the richest person of the city. Of the town, yeah, of his town. In the town. He had got पहले हो चुका था ना जब उसने फैसला किया तो he had got tired of. He decided to get all the time in total yeah as a whole. He found nothing inside. He felt sorry at loss, but it was too late to mend. He forgot that Adi chhod sari ko chahe aur kya hoga वो भूल गया. It was useless to cry. अब क्या पछताए हो जब चिड़ियां चोगी खेत. और इसके साथ ही मोरल लेसन है greed is curse. और इसके अलावा दूसरा मोरल लेसन है कि haste makes